नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत भावसार है और मैं कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। 28 जुलाई को हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस अवसर पर हम वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। वायरल हेपेटाइटिस 5 टाइप का होता है, वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से हेपेटाइटिस डी बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही रेयर है, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। सबसे कॉमनली जो पाए जाते हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस ए और ई। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई पानी के इन्फेक्टेड पानी से आपके शरीर में आता है और लीवर को इन्फेक्ट करता है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के बीच में अपने आप ठीक हो जाता है और जनरली इससे जान का खतरा नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दूषित खून से इन्फेक्शन होता है, तो ये जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कोई ऑपरेशन या इन्फेक्टेड नीडल से अगर इंजेक्शन लेते हैं, जैसे कि ड्रग यूज़र जो एक ही नीडल यूज़ करते हैं ड्रग अब्यूज़ के लिए, इनमें ज़्यादातर पाया जाता है। ये इन्फेक्शन बहुत बार मालूम नहीं पड़ता, ये इन्फेक्शन शरीर में आ जाता है, लीवर को हल्के हल्के इन्फेक्टेड करते रहता है, लेकिन इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए इसको पकड़ना जनरली कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये लीवर को धीरे धीरे डैमेज करते रहता है और 10-15-20 साल के दौरान लीवर खराब हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। और इस दौरान जब हम जांच करते हैं तो वायरल हेपेटाइटिस बी और सी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो अगर आपको आपकी कभी कोई सर्जरी हुई थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, या आपको कभी बचपन में जॉन्डिस हुआ था जिसका ठीक तरीके से जाँच नहीं की गई थी, तो हो सकता है आप भी वायरल हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित हो। अगर आपके घर में कोई बंदा है जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हो रखा है तो इस घर में भी ये बीमारी फैल सकती है। इसकी बुरी बात यह है कि जब लीवर डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लीवर डैमेज होने से पहले ही इस इन्फेक्शन को पकड़ ले तो इसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिससे आपका लीवर डैमेज होने से बच सकता है, लीवर कैंसर आने से पहले ही आप उसका ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी जॉन्डिस हुआ है, आपके घर में रिश्तेदारों में किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, तो आप आपके खून की त्वरित जांच कराएं। बहुत ही सस्ती सिंपल जांच से इस इन्फेक्शन का डायग्नोसिस किया जा सकता है। अगर आपको पता है आपको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है, तो आज ही आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, ये आपकी जान बचा सकता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।